हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्किल नॉलेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने की सेकंड एक्सरसाइज बताया था और हमें उम्मीद है कि आप वह एक्सरसाइज टाइप करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो आज हम आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने की थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे। दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की अलग अलग लिंक दे रखा है, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम इंग्लिश टाइपिंग की थर्ड एक्सरसाइज सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज हम आपको थर्ड एक्सरसाइज बता देते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी कोई भी एक्सरसाइज हो, मतलब कुछ भी टाइप करना हो, लेकिन आपके दोनों हाथ कीबोर्ड के होम रो पर ही रहेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, आपको कीबोर्ड के होम रो पर दोनों हाथ इस तरह रखना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से आपको जेड दबाना है, फिर इस उंगली से आपको एक्स दबाना है। एक्स दबाकर आप अपनी इस उंगली को फिर वापस एस पर ले आइए। ओके, अब आपको इस किनारे वाली उंगली से सी दबाना है, फिर आपको इसी उंगली से वी दबाना है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको स्पेस दबाना है, फिर आपको दाहिने हाथ की छोटी उंगली से डॉट दबाना है, और फिर इस उंगली से आपको कामा दबाना है, फिर देखिए इस उंगली से आपको एम दबाना है और इसी उंगली से एन दबाना है। ठीक है, आपकी तीसरी एक्सरसाइज जेड एक्स सी वी स्पेस डॉट कामा एम एन, यानी कि आपको ये तीसरी एक्सरसाइज जेड एक्स सी वी स्पेस डॉट कामा एम एन को MS वर्ड पर एक दिन में 4 घंटे जरूर टाइप करना है। अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो अलग अलग टाइम निकाल कर एक एक घंटा टाइप करिए, लेकिन एक ही दिन में आपको 4 घंटे टाइप जरूर करना है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपको इस तीसरी एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा टाइप करना है कि आप जेड एक्स सी वी स्पेस डॉट कॉमा एम एन को टाइप करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मतलब आप अपने दोनों हाथों को कीबोर्ड के होम रो पर ही रखिए। आपको कोई भी की दबाना है तो आप दबाइए और अपने उंगली को फिर वापस होम रो पर ले आइए। दोस्तों, ये तीसरी एक्सरसाइज आप टाइप करिए, फिर अगली वीडियो में हम आपको चौथी एक्सरसाइज बताएंगे। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्किल नॉलेज को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप भी देख सकें और आपको भी कंप्यूटर में जानकारी हो जाए। अगली वीडियो में चौथी एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।